चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की टेक न्यूज। टेक न्यूज नंबर 427, ये थोड़ी अलग होगी, पता नहीं पूरी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट पे हूँ और अभी तो तैपे एयरपोर्ट पे हूँ और इधर से हांगकांग जाना है। हांगकांग में सिर्फ एक घंटे का ही मौका है मुझे, उसके बाद में देखेंगे, अगर हो सके तो मैं करूँगा, कंप्लीट करूँगा। लेकिन मैंने कहा जितनी हो सके अभी मैं आपको टेक न्यूज़ दे दूँ, कुछ दो तीन है मेरे पास अभी और बाकी का कंप्लीट करूँगा हांगकांग एयरपोर्ट के ऊपर जाके। बॉम्बे में पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा। वैसे दोस्तों देखिए किधर भी हैं करते हैं टेक न्यूज़, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को बजाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं गूगल पिक्सल 4 के बारे में। जी हाँ, मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि उसमें डुअल कैमराज आने वाले हैं, डुअल पंच होल कैमरा सेल्फी में होने वाले हैं और पीछे की तरफ भी डुअल कैमराज, पहली बार पिक्सल में ऐसे कैमराज आने वाले हैं। और अब उसका एक स्क्रीन प्रोटेक्टर जो होता है, स्क्रीन गार्ड आ गया, वो बाहर आ गया है और उसमें भी यही दिख रहा है कि इसके ऊपर जो कैमराज होंगे वो होंगे डुअल पंच होल और पीछे की तरफ डुअल कैमरा। सो दैट इज़ ग्रेट, सिंगल कैमरा के साथ पिक्सल क्या कर सकता है, अब डुअल पिक्सल 4, डुअल कैमरा के साथ पिक्सल 4 जब आएगा तो वो क्या कर सकेगा। चलिए दोस्तों आ गए हैं हम हांगकांग एयरपोर्ट। जी हाँ, आप देख रहे हो इधर या पीछे आ गए हैं और आधा घंटा है मेरे पास अभी तक, तो मैंने कहा आपको टेक न्यूज़ दे दूँ। एंड द फर्स्ट थिंग, और बड़ी न्यूज़ है ये, क्योंकि सैमसंग M40 लॉन्च होने वाला था, उसकी प्राइस आ गई है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 25,000, बट नहीं, इसकी प्राइस जो है वो होने वाली है कुछ 19,990, ऐसे कहा जा रहा है। एंड एट दैट प्राइस आई थिंक M40 बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, एंड वैसे भी 20,000 to 25,000 की रेंज में बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं, तो आई थिंक इट लुक्स गुड, M40 विल गिव गुड कॉम्पिटिशन बाकी सब फ़ोन्स के लिए जो उस प्राइस रेंज में आते हैं। और दोस्तों ओप्पो ने चाइना में लॉन्च कर दिया है ओप्पो रेनो जी। जी हाँ, जेड, ये एक नया फ़ोन है हीलियो P90 प्रोसेसर पे, मिड रेंज पे ही आता है, 6GB RAM, 8GB RAM, ऐसे अलग अलग स्टोरेज है, 6GB, 128GB, 256GB के दो अलग अलग वेरिएंट्स है, हीलियो P90 पे आता है। तो वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स टू हैव P90 ये प्रोसेसर, जो एक अच्छा प्रोसेसर है, P80, हीलियो P80 का सक्सेसर है। ओवरऑल दिस इज़ अ ग्रेट फ़ोन, एंड इसकी जो प्राइस है दोस्तों ये रखी गई है कुछ 25 के करीब, क्योंकि इसमें भी आता है IMX586 सोनी सेंसर वाला, डुअल कैमराज आते हैं पीछे और आगे 32 मेगापिक्सल। इसका मतलब ओवरऑल दिस इज़ अ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन एंड स्लाइटली हायर मिड रेंज का फ़ोन है। अब जब इंडिया में आएगा तब देखेंगे इसकी प्राइस क्या होगी, लेकिन अगर 24-25 हज़ार पे आता है तो मुझे नहीं लगता इट विल बी टू वैल्यू फॉर मनी। वैसे दोस्तों आपको ये टेक न्यूज़ अच्छी लग रही है, हम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट टेक न्यूज़ कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों LED TVs के प्राइस कितने कम हो गए हैं पूछिए मत। अभी एक कंपनी है डीटेल, जिसका नाम है DEETEL, इन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया है जिसकी प्राइस, ये 17 इंच का फुल HD स्क्रीन वाला LCD TV है और इसकी प्राइस है सिर्फ 3,699, मतलब 3,700 में आपको एक 17 इंच का TV मिल रहा है जिसका फुल HD पैनल है। एक्चुअल में भाई देखना पड़ेगा ये एक्चुअल में काम करेगा या नहीं, बट 3,700 में क्या चाहिए, 3,700 17 इंच फुल HD, सोचिए। और दोस्तों एप्पल को मिल गया है फोल्डेबल स्मार्टफोन का, सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को मिल गए अब फोल्डेबल स्मार्टफोन के, वैसे ही मिल गया है एप्पल को भी, लेकिन एप्पल का जो डिज़ाइन है दोस्तों वो थोड़ा अलग है, डबल फोल्ड है, इसका मतलब लेफ्ट से भी फोल्ड होता है, राइट से भी फोल्ड होता है, एक के ऊपर एक, तो इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। वैसे एक बात आपको बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि फोल्डेबल स्मार्टफोन की जो टेक्नोलॉजी अभी तक मच्योर हुई है कंज्यूमर्स तक पहुँचने के लिए, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 427 ख़त्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो भी कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।